आप एक लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन क्या आप लोकतंत्र के मंदिर के बारे में जानते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देश की संसद की। अब इस संसद की रूपरेखा क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है, चलिए जानते हैं हर बड़ी बात। और आज किसी राज्य की राजनीति की नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया की बात करते हैं और शुरू करते हैं बात चुनाव की। अब सबसे पहले आप ये जानिए कि भारतीय संसद के दो सदन हैं। नंबर एक ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है और दूसरा है निचला सदन जिसे लोकसभा कहा जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि राज्यसभा दिखती कैसी है, यहाँ का चुनाव आखिर होता कैसा है और आखिर ये कैसे लोकसभा से अलग होती है, ये सब कुछ अब मैं आपको बताने वाली हूँ। और इसीलिए इत्मीनान से आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि राज्यसभा अंदर से दिखाई कैसी देती है। तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ, एक तरफ सदन को संचालित करने वाले पीठासीन अधिकारी और जो बाकी कुर्सियां हैं वहां पर दूसरी तरफ, जहां बैठने वाले नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं। वो जिम्मेदारियां क्या होती हैं, पद क्या होते हैं, ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, लेकिन राज्यसभा की तस्वीर आप देख लीजिए। अब राज्यसभा की पूरी प्रक्रिया आखिर चलती कैसे है, इसे समझने के लिए मैं आपको बहुत सरल भाषा में कुछ अहम पद जो राज्यसभा के भीतर तय किए जाते हैं वो क्या है वो सबसे पहले बताती हूँ। सबसे पहले सभापति और उपसभापति होता है। दूसरा सबसे अहम पद महासचिव का होता है। तीसरा विपक्ष के नेता का पद होता है। और फिर चौथा आता है सभा के नेता का पद। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक एक करके, क्योंकि राज्यसभा के भीतर कार्यवाही के लिए ये जो चार अहम पद मैंने आपको बताए हैं ये आपको याद कर लेने होंगे। अब जिसमें सबसे पहला कौन सा था, पीठासीन अधिकारी, यानी कि सभापति और उपसभापति। अब इसके बारे में और जानकारी मैं आपको देती हूँ। पीठासीन अधिकारियों पर सदन की कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी होती है, यानी कि उन्हीं को जिम्मा दिया जाता है सदन की कार्यवाही को चलाने का। अब भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति को भी चुनती है, यानी कि सभापति और उपसभापति यहाँ हो गया। अब दूसरा महासचिव है। महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति की तरफ से ही की जाती है। अब महासचिव संसदीय मामलों पर सलाह देने के लिए तत्परता से पीठासीन अधिकारियों के लिए हमेशा मौजूद होते हैं, इसीलिए ये बहुत अहम रोल हो जाता है। अब तीसरा विपक्ष के नेता का, ये बड़ा पद है। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि विपक्ष के नेता की जो भूमिका होती है वो वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि उसे विधायिका और जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करनी होती है और इसीलिए सरकार के नीतियों के विकल्प क्या हो सकते हैं ये भी पेश करने होते हैं, इसीलिए बहुत चुनौतीपूर्ण पद माना जाता है। अब फिर चौथे नंबर पर सभा के नेता, इनके बारे में भी आपको जानकारी देती हूँ। सभापति और उपसभापति के अलावा सदन का नेता एक महत्वपूर्ण संसदीय पदाधिकारी भी होता है, जो कि सदन में कार्य के कुशल और सुचारू संचालन में एक बहुत अहम रोल निभाता है, यानी कि प्रक्रिया बहुत स्मूथली चल रही हो ये तय करता है। अब वो पीठासीन अधिकारी के लिए परामर्श के लिए अब बहुत आसानी से उपलब्ध हो सके, इसीलिए हमेशा आपको ये पहली पंक्ति में ही बैठे हुए दिखाई देंगे, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको अंदर का दिखाया। अब देश की या राज्य की सरकार 5 साल में बदलती है, 5 साल में चुनाव होता है, आपने ये सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। अब राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी कि ये कभी भी भंग नहीं हो सकता। इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। अब मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है। अब इसी में जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत किए जाते हैं और बाकी बचे हुए 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। हालांकि राज्यसभा की वर्तमान संख्या 245 है, जिनमें से 233 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं। अब ये जो आंकड़ा 233 मैंने आपको बताया वो तय कैसे होता है, चुनाव से। लेकिन राज्यसभा का चुनाव जो है वो बाकी चुनाव से थोड़ा अलग होता है। अब इसीलिए थोड़ा सरल भाषा में मैं आपको समझाती हूँ
कि राज्यसभा का चुनाव आखिर होता कैसा है और वे कैसे बाकी चुनाव से और खास तौर पर लोकसभा चुनाव से अलग है। राज्यसभा चुनाव के लिए राज्यों के विधायक मतदान करते हैं। अब इस चुनाव में सीधे जनता वोट नहीं करती है। राज्यसभा चुनाव में विधायकों को प्रत्याशियों को वरीयता देनी होती है, जैसे किसे पहली वरीयता, किसे दूसरी वरीयता, इस तरह क्रम आगे बढ़ता जाता है। चुनाव में किसी प्रत्याशी को कम से कम कितने विधायकों के वोट की जरूरत होती है, उसे इस फॉर्मूले से तय किया जाता है। वोटों की गिनती में सबसे पहले पहली वरीयता को आगे रखा जाता है। पहली वरीयता से कोई नतीजा न निकलने पर आगे की वरीयता को देखा जाता है। अब इन सबके बीच में एक बात और भी आप जान लीजिए कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए योग्यताएं क्या हैं, कैसे आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं, उसके लिए क्या जरूरी है। सबसे पहले संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए व्यक्ति को हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा राज्यसभा में चुने जाने के लिए व्यक्ति की जो उम्र है वो 30 वर्ष होनी ही चाहिए, यानी कि 30 से कम नहीं हो सकती। अब इसके अलावा उस व्यक्ति के पास ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो इसी से जुड़ी हुई, जो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या उसके तहत निर्धारित की जा सकती हैं। ये मुख्य तौर पर योग्यताएं हैं जो होनी चाहिए। अब आप ये भी जान लीजिए कि जिस राज्य में जितनी जनसंख्या होती है उस राज्य को उसी हिसाब से सीटें भी मिल जाती हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 31 राज्यसभा की सीटें हैं, और क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो बाकी राज्यों से ज्यादा है। अब ये राज्यसभा की पूरी गणित जो थी वो मैं आपके लिए लेकर आई और बहुत सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की और मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। लेकिन राज्यसभा के बाद अब बात करते हैं लोकसभा की। अब ये लोकसभा के अंदर की तस्वीर सबसे पहले आप देख लीजिए। ये जो सामने आपको मुख्य आसन दिखाई दे रहा है ना तस्वीर में, वहाँ अध्यक्ष बैठते हैं जिन पर लोकसभा को चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उन्हें लोकसभा का अध्यक्ष कहा जाता है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के प्रावधान की अगर माने तो लोकसभा संसद का निचला सदन होता है। लोकसभा को बेहतर समझने के लिए अब कुछ अहम पद जो लोकसभा के भीतर होते हैं, जिन्हें लोकसभा की सुचारू कार्यवाही हो सके उसके लिए निर्धारित किया गया है, वो पद सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदन का नेता और विपक्ष का नेता, इसके अलावा महासचिव। अब एक बात और भी जरूरी है जो आपको जान लेनी चाहिए, वो ये है कि देश का जो प्रधानमंत्री चुना जाता है वो लोकसभा चुनाव के नतीजों से ही चुना जाता है। इसके अलावा लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, यानी कि आपने सुना होगा कि हर 5 साल में देश में लोकसभा का चुनाव, यानी कि प्रधानमंत्री के लिए जो चुनाव होता है वो होता है, या सांसद के लिए कह सकते हैं। अब देश को 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। अब चलिए चुनावी प्रक्रिया, लोकसभा चुनाव आखिर होता कैसे है, इसकी चुनावी प्रक्रिया क्या होती है, ये मैं आपको समझाती हूँ। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया थोड़ी सरल है। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो आम चुनाव से होता है। और सरल भाषा में समझाऊं तो इसमें सीधा वोट आप, मैं या जिसे भी मतदान का अधिकार हो वो सीधा अपने सांसद को चुनने के लिए वोट कर सकता है। अब और अच्छे से अगर मैं आपको समझाऊं तो लोकसभा सीट के आधार पर हर पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर देती है और हम उसी कैंडिडेट के लिए सीधा वोट कर सकते हैं। अब लोकसभा चुनाव में जिस उम्मीदवार की जीत हो जाती है वो लोकसभा के साथ साथ संसद का भी सदस्य बन जाता है और उसी को सांसद फिर कहा जाता है। अब जिस पार्टी के जितने सांसद जीत हासिल करते हैं ये वही आंकड़ा होता है सबसे जरूरी, जो ये तय करता है कि प्रधानमंत्री किस पार्टी या किस गठबंधन का होगा। अब इस चुनाव के लिए, यानी कि लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए कौन सी योग्यताएं होना जरूरी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। इसके अलावा लोकसभा के सदस्य के लिए उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 25 वर्ष का वो सदस्य होना ही चाहिए। उम्मीदवार का किसी भी संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी होता है। इसके अलावा कई सारी ऐसी योग्यताएं हैं जिसके मुताबिक ही लोकसभा का सदस्य बना जा सकता है। अब आज मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा की पूरी ABCD क्या कहती है वो समझा दिया है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार जब कोई आपसे सवाल करेगा कि आप अपने देश की चुनाव प्रक्रिया के बारे में कितना जानते हैं, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ
हर प्रक्रिया, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या राज्यसभा, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे पाएंगे। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से होगी आपसे मुलाकात। आप देखते रहिए बात चुनाव की।